हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हिंदू लॉ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, दैट इज मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की बात करूं, मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल की, तो आई विल स्टार्ट विद अ जनरल इंट्रोडक्शन कि ये स्कूल हैं क्या और कैसे स्कूल एग्जिस्टेंस में आए और इनका रोल क्या है। तो मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारा जो हिंदू लॉ है वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को गवर्न करता है, जिसमें सिख, जैन और बुद्धिज़्म भी आ जाते हैं। अर्थात सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी हम हिंदू मान लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस पर्पजेज लाइक अडॉप्शन, मेंटेनेंस, मैरिज एक्सेट्रा। तो वो लोग भी हिंदू धर्म के अनुसार ही, हिंदू लॉज के अनुसार ही गवर्न होते हैं। तो हिंदू लॉज की बात की जाए तो हिंदुओं में जो लॉज उनको गवर्न करते हैं वो कुछ लॉज हैं कोडिफाइड। कोडिफाइड मतलब उनके प्रॉपर एक्ट्स बन चुके हैं, लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिए हैं, रिटन लॉज हमारे पास हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक कोडिफाइड लॉ है, एक एक्ट है 1955 में पास हुआ था। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जैसे कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट 1956 का, मेंटेनेंस एक्ट भी 1956 का था, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। तो बहुत सारे जो एरियाज हैं लाइक मैरिज, लाइक अडॉप्शन, लाइक मेंटेनेंस, गार्डनशिप, माइनॉरिटी, सक्सेशन, ये सारे एरियाज हिंदू लॉज जो कि रिटन लॉज हैं, कोडिफाइड लॉज हैं, उनसे गवर्न होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे हिंदुओं के बीच में अभी भी कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जो अनकोडिफाइड हैं, जो अभी भी अनकोडिफाइड हैं। अनकोडिफाइड मतलब उनके लिए लॉ नहीं बना है, कोई एक्ट नहीं बना है, कोई कोड नहीं बना है। जैसे कि पार्टीशन पार्टीशन को रेगुलेट करने वाला हमारे पास कोई एक्ट नहीं है, कोई कोड नहीं है। जब मैं अनकोडिफाई एरिया की बात करूं मेरे दोस्तों, तो मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल दोनों का महत्व बढ़ जाता है, दोनों की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि जहां पे लॉज नहीं बने हुए हैं वहां पे हम कस्टम को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। हम मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल को फॉलो करते हैं, हम मिताक्षरा की फिलॉसफी को या दयाभागा की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उस एरिया पर, जिस एरिया पर हमारा लॉ अभी भी अनकोडिफाइड है, रिटर्न लॉ हमारे पास नहीं है। मेरे दोस्तों, अब आप ये सोचोगे कि ये मिताक्षरा और दयाभागा है क्या, ये चीज़ें क्या हैं, क्या ये कोई स्कूल है, कोई पाठशाला है, कोई विद्यालय है? तो नहीं, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अगर मैं मिताक्षरा या दयाभागा की बात करूं तो ये कोई स्कूल नहीं है। एक्चुअल में ये बेसिकली एक फिलॉसफी है, ये बेसिकली आइडियोलॉजीज हैं। मिताक्षरा दयाभागा एक सोच है, आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है। हमें पता है हमारे इंडिया में हमारे हिंदू लोगों के बहुत सारे कस्टम्स हैं। कस्टम सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं, लोगों से लोगों के डिफर करते हैं। हमारे कस्टम कुछ और हो सकते हैं, मैं हिंदू हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति हिंदू है, उसके कस्टम कुछ और भी हो सकते हैं। कस्टम अलग अलग होने की वजह से ये दो स्कूल एग्जिस्टेंस में आए, दो सोचें एग्जिस्टेंस में आई, दो आइडियोलॉजीज एग्जिस्टेंस में आई, दो फिलोसफीज एग्जिस्टेंस में आई। मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, इंडिया के कुछ लोग हैं वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जैसे ही एक बच्चा फैमिली में पैदा होएगा, उस बच्चे का फैमिली की प्रॉपर्टी में उसी टाइम इंटरेस्ट आ जाएगा और वो बच्चा फैमिली की प्रॉपर्टी में ओनर बन जाएगा, ही वुड बी को ओनर ऑफ द फैमिलीज प्रॉपर्टी जैसे उसका बर्थ होता है। कुछ लोग ये मानते हैं इंडिया में जो हिंदूज हैं। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो फैमिली की प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बनता, फैमिली की प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं है,
वो प्रॉपर्टी का ओनर तब बनता है जब उसका जो फादर है उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जन्म लिया वैसे ही प्रॉपर्टी का ओनर बन गया बच्चा, जो सन होगा वैसे ही प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब उसे जन्म लिया वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बना, लेकिन वो तब प्रॉपर्टी का ओनर बनेगा जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। सोच है, तो एक सोच को फॉलो करने वाले लोगों ने मिताक्षरा स्कूल क्रिएट कर दिया और एक सोच को फॉलो करने वाले लोगों ने दयाभागा स्कूल बना दिया। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मिताक्षरा दयाभागा क्या है। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो समझ आ रही हो, अगर लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। तो अगर मैं बात करूँ मिताक्षरा की, तो इसमें आपने एक नाम याद रखना है, विजनेश्वरा। विजनेश्वरा, और साथ में नाम याद रखना है यजना बलक्या स्मृति। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, एक हमारे जुरिस्ट थे, एक हमारे स्कॉलर थे 12th सेंचुरी के, एक हमारे स्कॉलर थे 12th सेंचुरी के जुरिस्ट थे, एक बड़े जाने माने जो थे स्कॉलर थे, जिनको लोगों की बड़ी नॉलेज थी, जुरिस्ट थे, विजनेश्वरा उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यजना बलक्या स्मृति को पढ़ा। अब हमें पता है हमारे हिंदुओं के सोर्सेज क्या हैं, लोगों के स्मृतिज हैं, श्रुतिज हैं, तो स्मृतिज बहुत सारी हैं, जैसे कि मनु स्मृति, यजना बलक्या स्मृति। तो इस विजनेश्वरा पर्सन ने यजना बलक्या स्मृति को पढ़ा और उसके बाद कमेंट्रीज दी उसके ऊपर, अपने विचार रखे, लेक्चर्स दिए अपने, और उन्हीं लेक्चर्स से हमारा मिताक्षरा स्कूल निकल के आया। उन्हीं लेक्चर्स में जो बोला गया उसको मिताक्षरा बोल दिया गया, अर्थात मिताक्षरा स्कूल प्रतिपादित करने में विजनेश्वरा का योगदान है। ही इज प्रपाउंडर, ही दैट पर्सन इज प्रपाउंडर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसी प्रकार अगर मैं दयाभागा की बात करूं, तो दयाभागा में आपने नाम याद रखना है जिमूतवाहन। जिमूतवाहन एक स्कॉलर थे, अगर बोर्ड से बाहर हो जाए तो मैं यहां लिख देता हूं जिमूतवाहन। ये भी एक जुरिस्ट थे जिमूतवाहन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सी स्मृति का अध्ययन किया, बेसिकली मनुस्मृति, बेसिकली मनुस्मृति, और इसने इसको पढ़ के अपनी कमेंट्रीज दी और उसके बाद हमारे पास दयाभागा स्कूल निकल के आया। तो इंडिया में कुछ लोग मिताक्षरा की फिलॉसफी को फॉलो करने लग पड़े, कुछ लोग दयाभागा की फिलॉसफी को फॉलो करने लग पड़े। अभी तो इस टाइम पर हमारे पास कोडिफाई लो है, बहुत सारे लोग कोडिफाई हैं, लेकिन कुछ पार्ट अभी मैंने कोडिफाई हैं और हम अभी भी इन स्कूल्स को फॉलो करते हैं कुछ पार्ट के लिए, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स के लिए अब इन स्कूल्स की रेलिवेंसी खत्म हो गई है। अब हमारे पास क्या आ गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया। मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हमारे पास आ गया था, तो जितने भी हिंदूज हैं उन सभी के ऊपर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है, चाहे वो मिताक्षरा को फॉलो करने वाला हिंदू हो, चाहे वो दयाभागा को फॉलो करने वाला हिंदू हो, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉलो किया जाता है। तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं अब इतने मायने नहीं रखते। जैसे कि मिताक्षरा क्या बोलता है कि जो एक डॉटर है वो को पार्सनर नहीं होगी। मैं आप किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको को पार्सनरी का मतलब क्या होता है। आप फिलहाल ये समझ लो कि को पार्सनर वो पर्सन है जिसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है और जो पार्टीशन की डिमांड कर सकता है कि मुझे पार्टीशन चाहिए, मैं अलग होना चाहता हूँ और उनसे ज्वाइंट फैमिली से अलग होना चाहता हूँ, जिसके पास ये राइट होगा वो को पार्सनर होगा। तो मिताक्षरा ये बोलती है कि डॉटर को पार्सनर नहीं हो सकती, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बता दिया कि डॉटर को पार्सनर होगी। तो अब चाहे हिंदू, पहले मिताक्षरा को फॉलो करने वाला हिंदू था, पर उसे अब हिंदू सक्सेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो जहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अब आ गया है, जिन पॉइंट्स पे, उन पे हम मिताक्षरा को फॉलो नहीं करेंगे, दयाभागा को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हिंदू हो उसे हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मिताक्षरा बोलती है कि जो एक सन है, यस,
मिताक्षा बोलती है सर्वाइवरशिप के बारे में, क्या बोलती है सर्वाइवरशिप के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप की बात करती है। ये भी किसी और वीडियो में बताऊंगा क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। फिलहाल ये समझ लो कि सर्वाइवरशिप का मतलब है जब एक व्यक्ति मरा तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में ना जाकर, उसके हेयर्स में, उसकी विडो में, उसकी वाइफ में ना जाकर उसकी प्रॉपर्टी किस में जाएगी, दूसरा जो को पार्टनर होगा उसमें जाएगी। तो मिताक्षा ये बात बोलती थी सर्वाइवरशिप की, लेकिन जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसने सर्वाइवरशिप की डॉक्ट्रिन को ख़त्म कर दिया। अब हम किसको फॉलो करेंगे, मिताक्षा स्कूल को या हिंदू सक्सेशन एक्ट को? जी हम फॉलो करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट को। आई होप आपको क्लियरेंस हो रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग मिताक्षा दियाबागा में मेन मेन पॉइंट जो डिफरेंस करते हैं दोनों में, जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।